तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यश की कहानियां में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जॉन अब्राहम की 2022 में आई मूवी अटैक पार्ट 1 को। इस मूवी को 7/10 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो इसमें आपको जॉन अब्राहम के अलावा रकुल प्रीत, जैकलिन फर्नांडिस और प्रकाश राज लीड रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रावल कोटला में 25 नवंबर 2010 में किए गए इंडियन आर्मी के एक मिलिट्री ऑपरेशन को दिखाया जाता है, जिसे अर्जुन शेरगिल यानी कि जॉन अब्राहम लीड कर रहे होते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन लश्कर के लीडर रहमान गुल को पकड़ने के लिए की जा रही होती है, और तभी उसी ऑपरेशन के दौरान हमें रहमान गुल के बेटे हामिद गुल को दिखाया जाता है, जो कि बॉम्ब जैकेट पहन करके इंडियन आर्मी के सामने आ जाता है। पर अर्जुन बड़ी सूझबूझ के साथ उससे वो रिमोट डेटोनेटर ले लेता है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। बॉम्ब डिफ्यूज करने के बाद अर्जुन हामिद को उस जगह से बाहर जाने को बोलता है, और इसके बाद वो रहमान गुल को उसके ठिकाने से पकड़ करके अपने साथ एयरलिफ्ट कर लेता है। और अब हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है, जहां एयरपोर्ट पर आयशा अपनी आईडी भूलने की वजह से वो उसे लेने जा रही होती है कि तभी सीढ़ियों पर ही वो अर्जुन से टकरा जाती है। टकराने की वजह से आयशा का पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाता है। ये देख करके अर्जुन उसका हाथ पकड़ करके जोर से अपनी तरफ खींचता है, और इसी खींचने की वजह से आयशा अर्जुन को किस कर लेती है। पर जो कि किस एक अनइंटेंशनल होता है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बोले वहाँ से चले जाते हैं। प्लेन में बैठने के बाद अर्जुन को यह पता लगता है कि आयशा उस एरोप्लेन की केबिन क्रू मेंबर है। इस वजह से वो सही मौका देख करके आयशा से बात करने चला जाता है और उससे कॉफी पे चलने को पूछता है, जिस पर आयशा रेडी हो जाती है। और अब इसके बाद से ही आयशा और अर्जुन अपना ढेर सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं। पर तभी एक दिन जब अर्जुन आयशा को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचा होता है कि इतने में ही एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। ये देख करके आयशा अर्जुन के तरफ भागती है, पर तभी एक गोली आयशा को आर पार करते हुए निकल जाती है, जिस वजह से आयशा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और इसी अटैक में अर्जुन को भी गोलियां लग जाती हैं, जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसके नेक से नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। पैरालिसिस की वजह से जो अर्जुन शेरगिल कभी देश के लिए लड़ा करता था, वो आज व्हीलचेयर पे बैठा होता है। और अपनी इस हालत को देख करके अर्जुन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर कुछ दिनों बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से यह पता करने में सफल हो जाती है कि एयरपोर्ट हमले के पीछे का मास्टरमाइंड हामिद गुल है। हमले के मास्टरमाइंड की जानकारी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आ जाती है और अपने सारे अथॉरिटीज से उनकी राय मांगती है कि उन्हें इस मौके पर क्या करना चाहिए। इस पर वडराज यानी कि प्रकाश झा प्राइम मिनिस्टर से यह कहते हैं कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें एक सुपर ह्यूमन सोल्जर बनाना चाहिए, जो कि इन सब मैटर को बिना किसी कोलैटरल डैमेज के ही बड़ी आसानी से हैंडल कर सके, जिस पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें इस प्रोग्राम की मंजूरी दे देते हैं। और इधर उसी रात कुछ चोर अर्जुन के घर में घुस करके उसकी माँ की अंगूठी उनसे छीन लेते हैं। परमिशन मिलने की वजह से अगले दिन वडराज डॉक्टर सभा से मिलकर के उसे इस प्रोग्राम की ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी दे देता है, जिस पर सभा वडराज से यह बोलती है कि उसने ये प्रोग्राम पैरालाइज सोल्जर्स को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बनाई है, न कि किसी आर्मी मैन को एक सुपर सोल्जर में कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई है। सभा की ये बात सुन करके वडराज सीधे अर्जुन के पास जा पहुंचता है और उसे इस प्रोग्राम के बारे में बताता है, जहां वो उसे इस प्रोग्राम के रिस्क के बारे में भी बताता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल 20-80 है। ये सुनने के बाद भी अर्जुन इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद से सभा की मौजूदगी में अर्जुन पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, जहां एक चिप अर्जुन के नेक पे फिट कर दिया जाता है, जो कि ब्रेन के सिग्नल को रीड करके उस बॉडी पार्ट्स को भेजेगा जिसके लिए वो सिग्नल होगी, और फिर नैनो पार्ट की मदद से उसे वो बॉडी पार्ट्स हिलाने में मदद मिलेगी। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अर्जुन की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी जाती है, ताकि उसका ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप से अच्छे से सिंक्रोनाइज हो सके, और इसे करने में उसकी मदद ईरा करेगी। जैसे आपने आयरन मैन मूवी में जावेस को टोनी स्टार्क के लिए काम करते हुए देखा है, सेम वैसे ही ईरा भी अर्जुन के लिए काम करेगी और उसे एक सुपर ह्यूमन बनने में उसकी मदद करेगी। और फिर एक दिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को हामिद गुल के नए मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है, जो कि ईस्टर्न यूरोप में केमिकल वेपन इकट्ठा कर रहा होता है। अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वडराज डॉक्टर सभा से अर्जुन को गवर्नमेंट के मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट करने को बोलता है, ताकि उसकी मदद से अर्जुन किसी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से कलेक्ट कर सके। गवर्नमेंट के मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद अर्जुन ईरा से उस आदमी को ढूंढने को बोलता है जिसने उसकी माँ की अंगूठी चुराई है। उस आदमी की लोकेशन मिल जाने के बाद अर्जुन सीधा उसके पास जाता है और उससे अपनी माँ की अंगूठी मांगता है, पर वो आदमी अर्जुन से यह बोलता है कि उस अंगूठी का दाम मार्केट में अभी 1,00,000 चल रहा है, बट मैं तुम्हें 60,000 में ही दे दूंगा। ये सुन करके अर्जुन उसे सबके सामने ही मारने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे वहीं थोड़ी देर रुकने को बोलता है, ताकि वो दिखा सके कि वो क्या चीज है। और यहीं पे अर्जुन को यह पता चलता है कि वो ईरा की मदद से वो एक सुपर ह्यूमन फाइट कर सकता है, जिसके बाद से अर्जुन उस चोर द्वारा बुलाए हुए सारे आदमियों को बड़े आसानी से मार गिराता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पुलिस आ जाती है।
पुलिस को वहां देख करके अर्जुन इरा से यह बताता है कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये सुनकर के इरा अर्जुन को वहां से बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगती है, जहां वो उसे एक ऊंची इमारत से नीचे कूदने को बोलती है। पर हाइट ज्यादा होने की वजह से अर्जुन जंप करने में थोड़ा डर रहा होता है, जिस पर इरा उस पर विश्वास करने को बोलती है। और इसके बाद अर्जुन बिल्डिंग से सीधा नीचे ट्रक में कूद जाता है। और अब हमें अर्जुन को आयशा के पास दिखाया जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। और इधर लैब में वरराज डॉक्टर सभा से अर्जुन को नीचे उठाने को बोलता है। दरअसल ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदने की वजह से चिप मैल फंक्शनिंग करने लगी होती है, और जो कि इरा खुद से खुद को रिबूट नहीं कर पा रही होती है। इस वजह से डॉक्टर सभा इरा को मैनुअली रिबूट कर देती है, जिसके बाद अर्जुन अपने सपनों से बाहर आ जाता है। सपनों से बाहर आने के बाद अर्जुन वडराज के पास जाता है, जहां वडराज उसे यह हरकत दोबारा दोहराने से मना करता है और उससे बोलता है कि कल सुबह वो और सभा पार्लियामेंट में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने जाएंगे। और फिर अगली सुबह डॉक्टर सभा पार्लियामेंट जल्दी पहुंच जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद आतंकवादी रैफ की ड्रेस पहन करके पार्लियामेंट गेट से अंदर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। और फिर पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही देश के पीएम प्रवेश करते हैं, आतंकवादी वहां के सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमले की बात अर्जुन को पता लगती है, तो वो भागा भागा सीधे पार्लियामेंट के पास आ पहुंचता है। और इधर पार्लियामेंट के अंदर हामिद गुल पीएम तक पहुंचने में सफल हो जाता है, और जो कि ये देश के लिए एक बहुत क्रूशियल समय होता है। इस वजह से होम मिनिस्टर को तत्कालीन पीएम बना दिया जाता है, ताकि उनसे राय मशवरा किया जा सके और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में ये डिसाइड किया जा सके। पर तभी वडराज वहां मौजूद लोगों से यह कहता है कि उन्हें एक टैक्टिकल टीम अंदर भेजनी चाहिए, जो कि अंदर से उन्हें सारी लाइव इन्फॉर्मेशन दे सके, जिसकी मदद से वो आर्मी एक्शन कर सके, जिस पर सभी रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद एनएसजी कमांडो को पार्लियामेंट की छत पर एयरफोर्स की मदद से उतार दिया जाता है, जिसे लीड अर्जुन कर रहा होता है। और जब ये खबर हामिद गुल को पता लगती है, तो वो सीधे पीएमओ ऑफिस में कॉल कर देता है और उनसे बोलता है कि अगर वो अपने कमांडोस को छत पर से नहीं उतारे, तो वो यहां मौजूद एमपीस को उनके मौत के घाट उतारने लगेंगे और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे, और अगर तुम अपनी कमांडोस को पीछे हटा लेते हो तो मैं 50 हॉस्टेजेस को छोड़ दूंगा। ये सुनकर के वडराज पार्लियामेंट के पास मौजूद सभी हेलीकॉप्टर्स को और एनएसजी कमांडोस को पीछे हटने को बोलता है, सिवाय एक के। और इसके बाद वडराज अर्जुन से यह कहता है कि उसे किसी भी तरह करके कंट्रोल रूम तक पहुंचना है, जहां से वो उन्हें सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस प्रोवाइड कर सके। कमांडोस के पीछे हटने के बाद हामिद अपने आर्मी को ऊपर छत पर जाकर के चेक करने को बोलता है कि क्या वो सच में चले गए या ये बस उनकी एक चाल भर है। हामिद को कंफर्मेशन मिलने के बाद वो 50 हॉस्टेजेस को छोड़ देता है। और इसके बाद वो दोबारा से पीएमओ ऑफिस कॉल लगाता है और उनसे रहमान गुल को इंडियन एयरस्पेस से बाहर पहुंचाने को बोलता है, नहीं तो वो उनके पीएम को मार डालेगा। हामिद की ये फरमाइश सुनकर के पीएमओ ऑफिस में सभी चिंतित हो जाते हैं, कि तभी उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से लाइव फुटेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अर्जुन कंट्रोल रूम तक पहुंचने में सफल हो गया होता है। और इसके बाद हामिद ग्रुप का एक आदमी हुसैन वहां मौजूद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है, कि तभी सभा की स्मार्ट वॉच में एक नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर के हुसैन वहां मौजूद आदमियों की चेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जब उसे यह पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन की आवाज सभा के स्मार्ट वॉच से आई है, इस पर वो उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। और ये सब पीएमओ में बैठे लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, पर वो चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे होते कि इतने पे ही वहां से अर्जुन गुजर रहा होता है, कि तभी उसे सभा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो अंदर जाकर के महज चंद सेकंडों में इरा की मदद से वहां मौजूद टेररिस्ट को मार गिराता है और सभा को सही सलामत एक सुरक्षित कमरे में लेते आता है। और इधर हामिद जब मुस्तफा के साथ हुसैन के पास जाता है, तो देखता है कि हुसैन उसके बाकी के साथ ही मारे गए हैं। ये देख करके हामिद को यह पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में उनके अलावा कोई दूसरा भी है जिसने उनके साथियों को मारा है। इस वजह से हामिद लाउडस्पीकर की मदद से अर्जुन से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो अपनी सैटेलाइट फोन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करे, ताकि वो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सके। जिसके बाद बातों ही बातों में हामिद कुल को यह पता चलता है कि आज से 12 साल पहले अर्जुन ने उसकी जान बख्शी थी, पर इस बार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ये सुनकर के हामिद इतना ज्यादा उतावला हो जाता है कि वो लोकसभा भवन में जाकर के पीएमओ ऑफिस में कॉल लगा देता है और कॉल पे ही वो एक एमपी को शूट कर देता है। और जब वो दूसरे एमपी को शूट करने जा रहा होता है, तब उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री हामिद से यह कहते हैं कि वो उनके सरथे मारने को तैयार हैं, जिस पर हामिद उनसे यह कहता है कि वो अपनी आर्मी से सरेंडर होने को बोले, नहीं तो अगला मर्डर तुम्हारे पीएम का होगा। हामिद की ये बात सुनकर के वडराज अर्जुन को हामिद के पास जाकर के सरेंडर होने को बोलता है, जिसके बाद अर्जुन हामिद के सामने सरेंडर हो जाता है। पर इससे पहले कि वो इरा की मदद से उन सभी को चुटकियों में खत्म कर देता, इतने ही पे ही उनका एक आदमी अर्जुन के गर्दन पर हमला कर देता है, जिस वजह से अर्जुन के अंदर लगा चिप माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे शटडाउन हो जाता है। इरा के शटडाउन होते ही सभा को नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसके बाद सभा अपने लैपटॉप से इरा को फिर से रिबूट करना स्टार्ट कर देती है। और तब तक इधर इंडियन गवर्नमेंट रहमान गुल को जेल से बाहर निकाल करके उसे इंडियन एयरस्पेस से बाहर ले जा रहे होते हैं। और इधर हामिद खुद सही सलामत यहां से बाहर निकलने के लिए
इंडियन एजेंसीज को उसके लिए प्राइवेट जेट रेडी रखने को बोलते हैं, जिस पर इंडियन एजेंसीज उसकी ये बात मान जाती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो पूरा पार्लियामेंट ही उड़ा देगा। अपनी सारी शर्तें इंडियन एजेंसी से मनवाने के बाद भी हामिद अपने साथ लाया केमिकल बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब ये कि अगले 30 मिनट बाद आधी दिल्ली खत्म हो जाएगी। एक्टिवेट करने के बाद हामिद अपनी गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल जाता है। और इधर अर्जुन एक बार फिर आयशा के सपनों में खो जाता है, पर तभी सपने में आयशा अर्जुन से यह बताती है कि वो जा चुकी है। और इतने में ही ईरा पूरा 100% रिबूट हो जाती है, जिसके बाद से अर्जुन ईरा की मदद से वहां मौजूद लोगों को तिनके के भांति मसल कर रख देता है। और तभी कैंटीन में अर्जुन को केमिकल बॉम्ब एक्टिवेट दिखाई देती है, जिस पर वो वनराज से यह बोलता है कि वो किसी भी कीमत पे हामिद को यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि कैंटीन में रखी केमिकल बॉम्ब का रिमोट डेटोनेटर उसके पास ही है। अर्जुन की ये बात सुनकर के वनराज फौरन एंगेज करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद जब सुरक्षा बल वो गाड़ी चेक करने जाते हैं, जिसमें वो हामिद को बिठा करके एयरपोर्ट तक ले जा रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हामिद उसमें बैठा ही नहीं था। दरअसल हामिद सभी को चकमा दे करके इंडियन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद गुप्त रास्ते की मदद से मेट्रो स्टेशन पहुंच गया होता है। हामिद के नाम मिलने पर अर्जुन ईरा से शहर में मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरास की छानबीन करने को बोलता है, ताकि उसे हामिद की लोकेशन का पता लग सके। हामिद की लोकेशन मिल जाने के बाद अर्जुन हामिद के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, पर इससे पहले कि हामिद प्राइवेट जेट में बैठ करके इंडियन एयर स्पेस को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देता, अर्जुन अपनी बाइक को जेट के पहियों पे दे मारता है, जिस वजह से जेट उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाती है। और जब उसमें से हामिद डेटोनेटर लेकर बाहर निकलता है, तब अर्जुन उसे 1 सेकंड के अंदर मार गिराता है, और फिर रिमोट डेटोनेटर की मदद से वो उस केमिकल बॉम्ब को फटने से रोक लेता है। और जब ये बात इंडियन एजेंसीज को पता चलती है, तो वो रहमान गुल को एरोप्लेन से नीचे फेंक देते हैं, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अटैक पार्ट 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी अटैक पार्ट 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।